नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है और देख लेते हैं फास्ट 50। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम और चीन के दौरे के लिए रवाना हुए। चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम एक दिन के लिए वियतनाम पहुंचे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 सालों में पहली वियतनाम यात्रा होगी। पीएम के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते होने की उम्मीद है। रिलायंस जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स में विवाद थमने के बजाय और गहराता जा रहा है। रिलायंस के कर्मचारियों का मोबाइल नंबर अब तक जियो में पोर्ट नहीं होने पर विवाद खड़े हो गए हैं। कंपनी ने 22 अगस्त को अपने कर्मचारियों को दूसरे नेटवर्क से जियो नेटवर्क पर पोर्टेबिलिटी का निर्देश दिया था, लेकिन दूसरी कंपनियों ने रिलायंस कर्मचारियों की नंबर पोर्टेबिलिटी को खारिज कर दिया है। वहीं रिलायंस जियो 5 सितंबर से 22 सर्विस एरिया में अपनी सेवा शुरू करेगा और सुरक्षा एजेंसियों, टेलीकॉम विभाग, ट्राई को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। वायरलेस सर्विस के लिए टैरिफ प्लान ट्राई को बता दिए गए। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में खरीदारी के चलते बाजार 16 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। आज के सत्र में निफ्टी ने भी 8,800 के अहम स्तर को पार कर लिया। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंक की बढ़त के साथ बंद। रेटिंग एजेंसी फिच भारत की रेटिंग बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि महंगाई में कमी का भारत को फायदा मिल सकता है। साथ ही नए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से भी फिच को काफी उम्मीदें हैं। सेबी ने कमोडिटी वायदा में रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को कड़े कर दिया है और नए नियमों के मुताबिक डिफॉल्ट होने की स्थिति में अब पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज की होगी। रेगुलेटर ने शुरुआती मार्जिन को दोगुना किया है और नए नियम में कॉन्सेंट्रेशन मार्जिन लागू किया गया है और स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट्स को खत्म कर दिया गया है। वहीं सेटलमेंट एंड गारंटी फंड यानी SGF के लिए 5% की सीमा भी खत्म कर दी गई है। इस हफ्ते क्रूड में पिछले 8 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली। WTI क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड का भाव $46 के नीचे पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट में मांग के मुकाबले सप्लाई बढ़ने से क्रूड की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगने से चीनी वायदा में गिरावट है। चीनी का भाव करीब 1% टूटा है। चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगने से चीनी वायदा में गिरावट नजर आई और NCDX पर चीनी का भाव करीब 1% टूटा। 31 सितंबर के बाद चीनी मिलों को कुल स्टॉक का 37% से ज्यादा चीनी रखने की मंजूरी नहीं। FTIL और MSEI यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक FTIL से MSEI 6 महीने के अंदर टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर FTIL को भारी नुकसान होगा। MSEI का FTIL के साथ 99 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो FTIL को सालाना 20 करोड़ रुपए पेमेंट करती है। सहारा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से करीब 3 करोड़ निवेशकों को 23,000 करोड़ रिफंड का डिटेल ब्यौरा सौंपने को कहा है। इससे पहले सहारा ने कहा था कि उसने निवेशकों को 23,000 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को इससे संबंधित जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट सहारा को इस मामले से संबंधित ब्यौरा 18 सितंबर तक सौंपने को कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से लंदन के ग्लॉसवेनर हाउस होटल डील की जांच करने के लिए भी कहा है। GSPL पर विदेशी देनदारों का शिकंजा बढ़ रहा है। विदेशी देनदारों ने GSPL को 12 सितंबर तक पूरा बकाया चुकाने को कहा है। अगर 12 सितंबर तक GSPL बकाया नहीं चुकाता तो उसकी गारंटी जब्त हो सकती है। इसमें हांगकांग की SC लोवी का GSPL पर $15 करोड़ का बकाया बाकी।
अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने के बाद दोबारा जांच करने को कहा था। सीबीआई में अपनी जांच रिपोर्ट में 5000 पेज का अतिरिक्त दस्तावेज कोर्ट को सौंपा है। सीबीआई इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितम्बर को करेगी और अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नवीन जिंदल समेत 12 लोग आरोपी। नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल पर गलत तथ्यों दस्तावेजों के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप। मनी बैक या कैश बैक ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को फंसाने वाली ऑनलाइन वेबसाइट पर सरकार नकेल कसने जा रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मंत्रालय हफ्ते भर में इसे लेकर निर्देश जारी करेगा। सरकार का इरादा ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफर्स को रेगुलेट करने का है ताकि कैश या मनी बैक के ऑफर्स में पारदर्शिता लाई जा सके। धनिया मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि धनिया मामले में सेबी को जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही मेघवाल ने कहा कि इस तरह के मामले दोबारा ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हाल ही में कारोबारियों ने NBHC के कोटा वेयरहाउस में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के अंदर धनिया का एक मामला उठा है, धनिया की क्वालिटी पे सवाल उठे हैं, सेबी आपके अंडर आता है, तो किस तरीके की कार्रवाई आप यहाँ पे इस पूरे मामले में? देखिए, जो विषय आया है धनिया वाला, हमने इससे संबंधित जितने भी अधिकार सेबी के हैं उनको कहा है और आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो और हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी आपको रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। लॉन्चिंग के कुछ दिनों के अंदर ही सैमसंग के स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। गैलेक्सी नोट 7 के बैटरी चार्ज के दौरान विस्फोट की खबरों के बाद कंपनी ने इसका ग्लोबल रिकॉल किया है। खबर के बाद दुनिया भर में सैमसंग की छवि को गहरा झटका लगा है। एशिया की दिग्गज थिएटर ऑपरेटर वांडा सिनेमा PVR में बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए PVR के प्रमोटर अजय बिजली से बातचीत जारी है। हालांकि PVR ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। जी एंटरटेनमेंट के MD एंड CEO पुनीत गोयंका को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है। दिल्ली में हुई IBF की AGM में ये फैसला लिया गया। IBF का प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद पुनीत गोयंका ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के नेतृत्व की जिम्मेदारी उस वक्त मिली जब काफी कुछ बदल रहा है और इंडिया को निवेश के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाने लगा है। दिल्ली में बिजली संकट गहरा सकता है। अरावली पावर ने BRPL और BYPL को नोटिस भेजकर बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। अरावली पावर ने नोटिस में कहा है कि वो अगर 961 करोड़ के बकाए का भुगतान नहीं किया गया तो वो 5 सितंबर से BSES की दोनों कंपनियों को बिजली सप्लाई रोक देगी। दिल्ली वालों के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना भारी साबित हो सकता है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया पहले ही अपने पैर पसार चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो सकती है क्योंकि इस बार अच्छी बारिश ने जहां राहत दी है तो मच्छरों को पनपने का मौका भी दिया है। दिल्ली में डेंगू के कुल 490 मामले सामने आए हैं जबकि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में नर्सों की हड़ताल पर नरम पड़ी सरकार। नर्सों से बात करने के लिए तैयार हुई केजरीवाल सरकार। नर्सों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। आज 10 ट्रेड यूनियनों के करीब 15 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अलग अलग शहरों में इस हड़ताल का असर देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर तक और सिलीगुड़ी से लेकर मुंबई तक हड़ताल है।
हालांकि दिल्ली में इसका असर नहीं दिख रहा और मुंबई में इसका आंशिक असर देखने को मिला। वाराणसी और पटना में भी बंद का असर दिखा। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से ओडिशा ठप हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की। स्थानीय लोगों से भी झड़प हुई और कर्मचारियों ने ट्रेन को भी रोका। तीन दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। और उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने न्यूनतम मजदूरी की फाइल लौटाई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके निशाना साधा और केजरीवाल सरकार ने 14,000 की न्यूनतम मजदूरी को दी थी मंजूरी। तीन दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने दौरे के तीसरे व अंतिम दिन जिले के गौरीगंज मुख्यालय जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक से वापस निकलते वक्त जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने काफिला रोक लिया राहुल गांधी का और अपनी समस्या बताने की कोशिश की। महिलाओं से राहुल कुछ देर के लिए मिलने उतरे और उनसे बात भी। बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी आप में नई राजनीतिक पारी की संभावना फ्लॉप होने के बाद अमृतसर से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ और नेताओं के साथ नया गुट बनाने का ऐलान किया। अकाली दल से निकाले गए परगट सिंह के साथ मिलकर सिद्धू पंजाब में एक नया फ्रंट खड़ा कर रहे हैं। इस नए फ्रंट का नाम आवाज पंजाब होगा और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक बेनतीजा होने के बाद कई दिन बाद सिद्धू की पत्नी और बीजेपी विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बुधवार को आपके दिल्ली नेतृत्व को निशाना साधा। कभी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा कर रही डॉक्टर सिद्धू ने बुधवार को दिल्ली में बैठे आप नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अश्लील वीडियो केस में केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ कर सकती है। वीडियो सार्वजनिक करने वाले ओम प्रकाश और केस से जुड़े अन्य लोगों से दिल्ली पुलिस सवाल जवाब कर सकती है। साथ ही सीडी की सत्यता की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी।